भाई ओडीआई मैच शिकस्त मिलने के बाद इंडिया ने टी20 सीरीज के पहले दोनों मैचेस को जीतकर एक बार फिर अपने नाम का डंका बजा दिया है और अब गोल है ऑस्ट्रेलियाई टीम को क्लीन स्वाइप करने का। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन गुरु, जहां आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के थर्ड और फाइनल टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो खेला जाएगा 8 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। एनालिसिस से पहले की मोटा मोटी बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई खेमा काफ़ी हद तक इंजरी से गुजर रहा है और ऐसे में उनसे अच्छे गेम की उम्मीद करना थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी इनके पास मतलब भर की फायर पावर ज़रूर मौजूद है। वहीं इंडिया ने सिडनी की पिच को फाइनली अडेप्ट कर लिया है, जहाँ इनकी बल्लेबाजी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। तो ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरह टी20 सीरीज़ को फाइनली जीत के साथ खत्म कर पाएगी? आइए पिच की चाल से लेकर टीम के हाल और संभावित 11 खिलाड़ियों पे नज़र डाल लेते हैं और होने वाले मैच की पड़ताल कर लेते हैं। तो भाई लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। चलिए एनालिसिस की शुरुआत कर लेते हैं मैच के वेन्यू के साथ। तो दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा ये आखिरी टी20 मैच। अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि बल्लेबाजों के लिए काफ़ी फ्रेंडली पिच रही है और रहने वाली है। वही पिच की चाल को देखते हुए स्पिनर्स और 130 से 140 की स्पीड में बॉलिंग करने वाले फास्ट बॉलर्स के लिए भी यहाँ काफ़ी स्कोप है। अब यहाँ पे खेले गए सभी टी20 मैचेस पे गौर करें तो टोटल 7 मैचेस अभी तक यहाँ पे खेले गए हैं, जहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 बार जीती और रन चेस करने वाली टीम 5 बार जीती है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 164 रन्स। वहीं हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड किया गया है ऑस्ट्रेलिया का 221 रन्स 5 विकेट पे, और लोएस्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया गया है न्यूजीलैंड का 117 रन्स 9 विकेट पे। बात स्कोरिंग पैटर्न की करें तो बिलो 150 का स्कोर जो है वो 2 बार बनाया जा चुका है, स्कोर बिटवीन 150 टू 169 भी 2 बार बनाया जा चुका है, 172 and 89 अभी तक नहीं बनाया गया है। वहीं अबव 190 का स्कोर 3 बार बनाया जा चुका है। चलिए अब जरा फोकस कर लेते हैं टीम एनालिसिस पे। भैया लगातार एक के बाद एक मैच जीतने के बाद टीम इंडिया की तो 5 उंगलियां घी में लग रही है। केएल राहुल, शिखर धवन और विराट कोहली के एक्सपीरियंस और फॉर्म को देखते हुए टीम का टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत लग रहा है। यहाँ अगर संजू सैमसन भी इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा लेते तो टीम को आखिर टी20 मैचेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और फिर मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी भी ढेर होती दिख रही है। बात इनके बॉलिंग अटैक की करें तो इंडिया के नए नवेले गेंदबाज टी नटराजन बेहद उम्दा फॉर्म में है और इन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है शार्दुल ठाकुर से। वैसे देखा जाए तो यहाँ टीम अभी भी थोड़ा सा वीक नज़र आ रही है। अगर अगले मैच में गेंदबाजी थोड़ी और टाइट हो जाती है तो ओवरऑल टीम इंडिया बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ये तो हुई बात इंडिया की, बढ़ते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया की ओर। भाई ऑसीज़ ने यू तो 194 का अच्छा टोटल बोर्ड पर टांगा था, लेकिन फिर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। कप्तान फिंच की जगह मैथ्यू वेड ने आला दर्जे की बल्लेबाजी करी थी और टीम को मजबूत शुरुआत दी थी। स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मोइसेस हेनरी, ये तीनों ही बल्लेबाज जैसा अनुमान लगाया था कारगर साबित हुए थे, लेकिन 200 का पार स्कोर पहुंचाने के लिए क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिके। वहीं डार्सी शॉट की लगातार हल्की शुरुआत ऑस्ट्रेलियंस को बैकफुट पे डाल रही है। बात गेंदबाजी की करें तो जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की आखिरी टी20 मैच में अनुपस्थिति टीम को पहले ही कमजोर करेगी, ऊपर से एक्सपीरियंस की कमी भारतीय बल्लेबाजों को अपर हैंड देगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए दोनों टीम्स के संभावित 11 खिलाड़ियों पर भी फोकस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल सकते हैं मैथ्यू वेट, डार्सी शॉट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मोइसेस हेनरिक्स, डैनियल सैम, शॉन एबॉट, मिचेल स्वेप्सन, एडम जैम्पा और एंड्रयू ट्राय। वहीं इंडिया के संभावित 11 खिलाड़ी हो सकते हैं विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन और युजवेंद्र चहल। तो भैया ये था एनालिसिस इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टी20 मैच का। हम उम्मीद करते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इस वीडियो में कवर किए गए होंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस मैच के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकते जाएं। हम फिर हाजिर होंगे एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।